और घायल दुर्योधन मरते समय क्या कहने लगा, दिलचस्पी बात होगी, क्या लिख दिया कवि ने। अरे हिंदे अंदर रे लड़के।
थमा कर दिखलाया तेरे करण का काम धजो। अरे अश्वत्थामा कर दिखलाया तेरे करण का काम धजो। वो होने ना पाया काम और करण का आम धजो। अरे अश्वत्थामा कर दिखलाया तेरे करण का काम धजो। अश्वत्थामा कर दिखलाया तेरे करण का काम धजो। अश्वत्थामा ने किया है तो द्रौपदी पांडवों से कहने लगी कि मैं अगर अश्वत्थामा को नहीं मारोगे तो जिंदा नहीं रहूंगी, जड़ के मरूंगी। तो मेरे मेहरबानों, द्रौपदी क्या कह रही है इस बात के द्वारा
पांडवों से अश्वत्थामा को मारने के लिए। भाई बेटों का भाई और बेटों का कैसे सबर करूंगी, अश्वत्थामा मारो ना मैं जड़ के मरूंगी। भाई बेटों का कैसे आज सबर करूंगी, अश्वत्थामा लहू से सिर की मांग करूंगी, अश्वत्थामा मारो ना मैं जड़ के मरूंगी। अरे अश्वत्थामा मारो ना मैं जड़ के मरूंगी। कृष्ण जी के अरे कृष्ण जी के सामने ना मैं कहती डरूंगी, अश्वत्थामा मारो ना मैं जड़ के मरूंगी। अश्वत्थामा मारो ना मैं जड़ के मरूंगी। We'll be right back.
मर के भी ना छोड़ू मैं उसके प्राण हरूंगी, अस्तु थामा मारो ना मैं जड़ के मरूंगी, अस्तु थामा मारो ना मैं जड़ के मरूंगी। खत्म राज बले पाप कपाड़ा, लडन सिंह ओ लिखने वाला, खत्म राज बले पाप कपाड़ा, महाभारत की ओ महाभारत की कथा पार मैं सुन के तरूंगी, अस्तु थामा मारो ना मैं जड़ के मरूंगी। भाई बेटों का कहने लगी कि अश्वत्थामा को मारो वरना मैं जिंदी नहीं रहूंगी। तो मेहरबान हो अश्वत्थामा को खोजने के लिए अर्जुन, भीम और कृष्ण चल देते हैं अश्वत्थामा की खोज में। उधर अश्वत्थामा दुर्योधन तो अपने प्राण त्याग देते हैं। अश्वत्थामा वहां से कृतवर्मा और कृपाचार्य को छोड़कर छुपने के लिए कहां पहुंचते हैं? ऋषि वेद व्यास के आश्रम में जाकर छुप जाता है और ऋषियों में जाकर बैठ जाता है दड़ मारकर। कृष्ण जी, अर्जुन और भीम उसकी खोज में पहुंच जाते हैं और देख लेते हैं कि बैठा है, तो कहने लगे कि दुष्ट तने क्या अत्याचार किया, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और आवाज देते हैं कि ऋषियों के आश्रम को छोड़कर बाहर आ जा। तो मेरे दोस्तों, अश्वत्थामा को क्रोध आया और ऋषियों में से उठकर आश्रम से बाहर हो जाता है और सीख के द्वारा ब्रह्म शस्त्र को चला देता है। तो दूसरी तरफ से अर्जुन को भी उस अस्त्र का ज्ञान था, ब्रह्म अस्त्र का। दोनों तरफ से अस्त्र चलते हैं और किस तरह, बाकी हवाला इस बात के बाद। शर्म नहीं
बैठ गया दड़के, छोड़ आश्रम ऋषियों का तू आजा बाहर लिखड़के, छोड़ आश्रम ऋषियों का तू आजा बाहर लिखड़के।
धरती अंबर हाल गए जचे महावीर लेके ढंग हो गए। अरे सृष्टि हो पे मार बचे ना देख देख ऋषि दंग हो गए। खड़े नारद जी और वेद व्यास के और ऋषि भी संग हो गए। महात्र लेके ढंग हो गए। सृष्टि हो पैमाल बचे ना देख देख ऋषि दंग हो गए। खड़े नारद और श्री वेद व्यास के और ऋषि भी संग हो गए। मेहरबानों महात्र लेके ढंग हो जाते हैं क्यों के ब्रह्म सत्य अश्वत्थामा ने छोड़ दिया और उसके जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्म सत्य छोड़ दिया। ऋषि खड़े हो जाते हैं महात्र लेके ढंग हो गए तो क्या हुआ ऋषियों के कहने से अर्जुन ने इस रोणी की बात साफ कृष्ण जी तुम्हें बताऊंगा। मैं थोड़े दिन के बाद देखियो जीऊ ना मर जाऊंगा। मुझे के बेरा था अपने हाथों मैं अपना कुटुंब खपाऊंगा। हस्तनापुर को कृष्ण जी अब मुंह में कैसे दिखाऊंगा। मुझ पापी ने कुल को मेट ली मुझ पापी ने कुल को मेट ली लगा कलंक की स्याही। लाश पड़ी दे चारों तरफ दिखाई। नारी कहर करें ओ विधवा नारी कहर करें यू फिकर रात दिन खावेगा। बालक बहुत अनाथ हुए मुझे उनका प्रेम सतावेगा। और बेटों की आग में ताई और करावेगा। हे कृष्ण जी महलों में यू दुख ना देखा जावेगा। यू अंबर टूट नहीं पड़ता यू अंबर टूट नहीं पड़ता ना यू फटी धरती माई। भाई रे धरती ऊपर लाश पड़ी दे चारों तरफ दिखाई।
टलने की बात धर्म का ओ ना टलने की बात धर्म का पड़े भोगना भोग मुझे मेरे भाइयों को खुशी घनी परे हद से ज्यादा शोक मुझे लड्डन सिंह भी समझे पागल कहे बहुत से लोग मुझे बालकपन में लगा राज बल यू भाने का रोग मुझे अरे क्या करूं मर्द की घूम लिया कहीं मिलती नहीं दवाई धरती ऊपर लाश पड़ी दे चारों तरफ दिशर कांप गया और भर के छाती आई धरती ऊपर लाश पड़ी दे चारों तरफ दिखाई दे चारों तरफ दिखाई कर्म का पड़े भोगना भोग मुझे मेरे भाइयों को खुशी घनी पर हद से ज्यादा शोक मुझे लड्डन सिंह भी समझे पागल कहे बहुत से लोग मुझे बालकपन में लगा राजबल यू गाने का रोग मुझे क्या करूं मर्द की घूम लिया कहीं मिली दवाई तो दोस्तों कृष्ण जी धर्म युधिष्ठिर को समझाते हैं कि होनी बलवान है आगे चलो तो वे सारे हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं तो दोस्तों धृतराष्ट्र पांडवों को आशीर्वाद के लिए बुलाते हैं तो वे सारे गंधारी का आशीर्वाद लेकर बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाते हैं मेहरबानों धृतराष्ट्र अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर चारों को आशीर्वाद दे देते हैं लेकिन क्रोध की ज्वाला धृतराष्ट्र के मन में थी जो भीम के प्रति थी कि भीम को आशीर्वाद दूंगा तो उसे व्यक्त कर देते हैं कि भीम को मेरे पास लाओ मैं भीम को आशीर्वाद देना चाहता हूं मेरे दोस्तों कृष्ण जी कहते हैं समझ गए बात को और एक अष्ट धातु जो बनी हुई मूर्ति थी जिस पर रोज दुर्योधन अभ्यास करता था गदा से उसको लेकर धृतराष्ट्र की गोद में पेश कर देते हैं तो मेहरमानो पुतले को पाकर धृतराष्ट्र अपने क्रोध को शांत करने के लिए गोद में लेकर छाती से लगाकर और इस तरह प्रहार करते हैं कि वो अर्शधात की बनी हुई मूर्ति चकनाचूर हो जाती है तो क्या होता है बाकी हवाला इस बात के द्वारा अरबिन आई कर गया मृत्यु
बिन आई मैं मृत्यु कर गया, यू नाग बेटों की छाती से दिया तोड़ भीम उठी आग बेटों की भला बिन आई मैं मृत्यु कर गया, यू नाग बेटों की छाती से दिया तोड़ भीम उठी आग बेटों की बेटों की।
आई मैं मृत्यु कर जा, यू नाग बेटों की छाती से दिया तोड़, भीम उठी आग बेटों की, आग बेटों की। हाँ तो मेहरबान हो आखिरी में कृष्ण जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि संशय का संसार है, तेरा जुनून अब भी खत्म नहीं हुआ। कह रहे हैं कृष्ण जी कि संशय के संसार में कोई नहीं बचा, अकबर शाह सिकंदर जैसे भी यहां से खाली हाथ चले गए। और क्या लिख दिया वाला भजन, संशय संसार भरे मैं, संशय संसार भरे मैं, कर कर करामात चले गए भाई, बड़े बड़े तपधारी तप कर के उत्पात चले गए। संशय संसार भरे मैं, संशय संसार भरे मैं, कर कर करामात वशिष्ठ सन थास, वाल्मीक सुखदेव मुनि कृपालो हरिदास, गुरु और पहलाद पूरण भगत का भी है इतिहास। जी आ गया फिर मरे मैं, जी आ गया फिर मरे मैं, गुरु गोरखनाथ चले गए फिर तीर्थागढ़ में, नरसी बनिया भर के बात चले गए। सन से संसार भरे मैं, अजय अम्ब विक्रम करण अर्जुन का सुत बबरा भान, जग देव कुंवर ने कर दिया सर अपने का दान, मोर ध्वज दृष्टि भामा दशरथ ने विधि प्राण, शिव दधीची हरिश्चंद्र राजा सतवादी और सत्यवान, बल राजा दान करे मैं, बल राजा दान करे मैं, सारे एक साथ चले गए भाई कपिल मुनि के लात मार, योदा बिन बात चले गए। सन से संसार भरे मैं, इससे पीछे रजपूती के सर का हो गया ताज वीरान, आपस के में फूट पड़गी जयचंद हो गया बेईमान, इस्लामी की कमजोरी से आन बसे क्रसटान, क्यों रघुनाथ बावड़ा हो रहा छोड़ दे दुनिया के ध्यान, फल सूखे बाग हरे में, फल सूखे बाग हरे में, यूसुफ हजरात चले गए भाई, अकबर शाह सिकंदर जैसे भी खाली हाथ चले गए। सन से संसार भरे मैं, सन से संसार भरे मैं, कर 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 मात चले गए, और बड़े बड़े तपदारी तप कर के उत्पात चले गए। सन से संसार भरे मैं। मेहरबानो ये किस्सा पेश किया गया चंदा कैसे, इसके गायक सतपाल डोसा, वे करतार डोसा।
तो ये किस्सा था पुत्रों की आग महाभारत, ये आप प्राप्त करेंगे चंदा कैसे कॉर्नर त्रिलोकपुरी दिल्ली। धन्यवाद।